वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल हमने कथा भगवान की जन्म का अवतार का हेतु की चर्चा कर रहे थे और वो हेतु पूरा हुआ ही नहीं था कि अहेतु कृपा हो गई थी, यानी समय से पहले ही भगवान प्रकट हो या आप लोगों का प्रेम था। आज हम थोड़ी सी चर्चा वही कर लेते हैं। कथा मैंने छोड़ी थी कि नारद जी को फोड़ा हो गया था, याद है, और माता लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु से कि महाराज इसकी बड़ाई करके भगत को और बिगाड़ दिया। बोला देवी वो फोड़ा ऐसा फोड़ा हो गया कि शंकर जी ने दवाई दी थी, यदि वो दवाई ले लेता तो वहीं बैठ जाता, लेकिन इसने दवा ली नहीं नारद ने, इसलिए फोड़ा बढ़ गया। अब इसका ऑपरेशन करना जरूरी हो गया, लेकिन ऑपरेशन करने जैसा हुआ भी नहीं, न दवाई जैसा रहा न ऑपरेशन जैसा हुआ, अर्थात अभी इसको और पकाना पड़ेगा। तो भगवान ने माया फैलाई, जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ रचाया। शील निधि राजा विश्वमोहिनी उनकी पुत्री राजकुमारी, उसका विवाह रचाया। नारद जी ने सुंदर शहर, सुंदर वन, सुंदर महल और बहुत सुंदर सुंदर वहां बसावट देखी, और बाहर एक बोर्ड लगा था विश्वमोहिनी की स्वयंवर। नारद जी बोलिया दीघवा में बहुत सुंदर है, बारह फोटो लाग रही है, आ तो लक्ष्मी से उरे गोने, इके लिए तो कोई भगवान विष्णु जैसे वर है वो इन्हें परण सके है। कहे कि नारद जी दरवाजे से निकल रही है यहां, और शील निधि राजा की मुलाकात हुई और पधारो महाराज मेरी 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 बच्ची जो विश्वमोहिनी है महाराज, उसकी हस्तरेखा देखो, तो हस्तरेखा देखी है। और नारद जी के मन में ऐसा भाव हुआ कि यूं तो अपन भगवान पूरे हो गए, भगवान ने कह दिया कि नारद तेरे नाम से पाप कटेंगे, और भगवान ने अपन को बराबर आसन दिलवाए, लेकिन भगवान तो क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, हाँ अपने यहां कोई लक्ष्मी नहीं है, तो भगवान के बराबर होने में अभी अपन को एक धर्म पत्नी की जरूरत है। फिर इस राजा के कोई पुत्र तो है नहीं, इसके तो पुत्री है, तो भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में ससुराल में रहते हैं, अपन पत्नी के साथ इसके यहां ससुर जी के यहां रह लेंगे। तो नारद जी पाछा चलिया, भगवान विष्णु को ध्यान करिया, शिव जी का दो गण पाछे पाछे चल रिया। नारद जी ने भगवान को याद किया, रास्ते में प्रकट हो गए, बोलो नारद क्या महाराज एक काम है। भगवान मन ही मन में हंसने लगे, कल तो कह रहा था मैंने कामदेव को जीत लिया है और आज फिर काम है, कि बोलो 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 नारद जी बोलो कि मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। बहुत सुंदर विचार, भगवान ने कहा बहुत सुंदर विचार है, बोलो हम आपकी क्या मदद करें। बोले प्रभु मुझे आपका रूप दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को सुंदर बना दो, मुझे आपका रूप दे दो, हरि का रूप दे दो। अब हरि बंदर को भी कहते, तो भगवान ने सोचा कि इसको क्या रूप देऊं मैं। थोड़ी देर बाद नारद ने कहा बोले मेरा जिससे हित हो प्रभु वो रूप दे दो। तो भगवान ने कहा कि ये भक्त है ये कहीं गिर जाएगा, तो भगवान ने उनका चेहरा जो है मुख जो है बंदर जैसा बना दिया, लेकिन इस रूप को या तो भगवान विष्णु जानते थे या फिर
शिव जी के दो गण उनको मालूम था। अब गए स्वयंवर में, विश्वमोहन माला लिए लिए राजकुमारों को देखे, भाई जो जो पसंद आएगा उसके गले में माला। अब नारद जी आगे आगे जावे और लक्ष्मी जी देखे ही कौन, राजकुमारी देखे ही कौन, नारद जी सोचा ध्यान कुंद करी थी पूरा पच कोई शिव जी का गण बोलिया, नारद जी क्यों दुख पाओ हो, बोलिया क्योंकि था तो फूटरा फूटरा ए गणाई उबट है। तो नारद जी को खेद हुआ, नारद जी को अपने अपने पानी के अंदर अपना मुंह देखा तो बहुत पश्चाताप किया और दोनों गणों को श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। बोले हम तो आपको बता ही रहे थे हमारी क्या गलती है कि नहीं 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 तुमने मेरी मजाक की है। उन्होंने क्रोध किया और बोले भगवान नारायण भगवान विष्णु पर बोले तुम्हारे ऊपर कोई सता नहीं है, तुमको किसी का डर नहीं है, इसलिए तुम मन मर्जी करते हो और तुमको अब मैं मजाक चखलाता हूं। और नारद जी गुस्सा करके आया भगवान को ध्यान करता हुआ, भगवान बने रास्ता में प्रकट हो गया। पहले से लक्ष्मी थी, एक तो लक्ष्मी जी थी, एक में विश्वमोहिनी की शादी कर ओढ़ लिया, दो दो नारद जी बोलिया तुमको किसी का डर नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई सता नहीं है, इसलिए तुम मन मर्जी करते हो, हमारे यहां तो एक ही नहीं और तुम दो दो हैं। भगवान बोलिया नारद जी हम लोग तो ग्रस्ती हैं, आप सन्यासी हैं, इसलिए आपके धर्म को मैंने सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा करने के लिए मैंने ऐसा किया है, क्यों आप सन्यासी हैं। बोले आपने शिव जी को तो कह करके शादी करवाई। बोले हाँ आप में शिव जी में थोड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क है, कि वो आपके बड़े भाई हैं आप छोटे हो, अभी आप छोटे हो। क्या मैं छोटा, कहा नारद ना प्लस रथ, रथ का मतलब जिसके दांत नहीं उगे हैं वो है नारद, अर्थात बालक हो। बोले मैं बालक, बोले हाँ हाँ तुम बालक हो। बोले मैं बालक कैसे, के बड़ा जब हो जाता है ना, शिव जी ने हमें कभी भी नहीं कहा कि हमारी शादी कराओ, माता पिता को बच्चा कभी भी नहीं कहता कि मेरी शादी करो, माता पिता परिवार के स्वजन कहते हैं तुम शादी करा लो। इसलिए भगवान शिव जी ने वो बड़े इसलिए हैं कि शिव जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी शादी करो। अच्छा तुम बालक इसलिए हो कि तुम बार बार मेरे से कहते हो कि मेरी शादी, मैं शादी में जा रहा हूं मेरी शादी कराओ, तो तुम बालक हुए नहीं। अच्छा तुम यूं भी बालक हो, तुम्हारी बुद्धि यूं भी बालक है कि जिससे तुम शादी कराने गए, जिससे तुम शादी करने गए वो कौन थी। बोले विश्वमोहिनी। अच्छा मेरे को क्या मानते हो, बोले विश्वपति, और मेरी आलादनी शक्ति को लक्ष्मी को, बोले माया, और ये विश्वमोहिनी कौन है, बोले ये भी माया। तो तुम्हारी अकल ही काम नहीं, अच्छा तुम्हारी अकल काम नहीं करती कि मैं तुम्हारा क्या लगा के पिता और ये माता, तो तुम शादी किससे करने गए थे, अरे तुम्हें ये मालूम नहीं तुम माता से शादी करने चले गए। तो नारद जी बहुत जो है विस्मय होते हैं और श्राप दे दिया कि जाओ तुम हमारी शादी में इस प्रकार से हमको अर्चन पैदा करी है तो तुम भी सीते 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 करते करते फिरोगे। राम जन्म के भगवान के जन्म के कई हेतु हैं और दसवां स्कंद है, इसमें हमें सुखदेव जी महाराज निरोध लीला का दर्शन करा रहे हैं। निरोध लीला का मतलब होता है व्यक्ति वस्तु और विषय इनसे विरोध नहीं करना,
अर्थात ये प्रेम की कथा है। देखो चार वेद हैं, लेकिन पांचवा वेद महाभारत को कहा है। अच्छा, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और पांचवा पुरुषार्थ प्रेम को कहा है। इसलिए इस दसवां जो स्कंद है, इसमें भगवान ने जो लीलाएं की है वो प्रेम की लीलाएं हैं। और सुखदेव जी महाराज ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ लिखा है। इस दशम स्कंद में, दशम जो स्कंद है, इसमें सुखदेव जी महाराज जब बता रहे हैं तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज 7वें दिन मौत आएगी, इसमें से 5 दिन तो पूरे हो रहे हैं, अब तो 1-2 दिन बचा है। महाराज कोई मूल बात है तो बता दो, नहीं तो आया काल, अब तो कल का दिन ही है, परसों तो मोक्ष होनी है, क्योंकि 7वें दिन तो जाना ही है और आज 5वां दिन हो गया, तो महाराज कोई मेरे लायक जो कुछ कोई कथा हो उसको सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाते हैं तो प्रथम स्कंद से, प्रथम अध्याय से लेके, प्रथम यानी पहला अध्याय से लेके 28वां अध्याय तक तत्व ज्ञान वेदों में, उसको जो चार वेद है, चार वेदों के जो महावाक्य है, तत्वमसि ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ग्रंथ ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये पूरा का पूरा 1 से लेकर के 28 अध्याय में तत्व के द्वारा वेदों में तत्व ज्ञान से अनुभूति कराई है। और यहाँ उन्होंने जो है भक्तों को भक्ति रस से अनुभूति कराई है। ये 1 से लेकर 28 अध्याय तक उन्होंने तत्व अनुभूति, तत्व अनुसंधान, प्रेम के द्वारा परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, और संसार में वस्तु, विषय और भोग पदार्थ, इनसे कैसे निवृत्त हुआ जाए, ये सारी कथा उसने सुनी बताई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आकाश में देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके अपने अपने लोग जा रहे थे। ब्रह्मदेव ने कहा, हे देवताओं तुम कहां जा रहे हो? बोले, अब धरती पर तो नारायण अवतार होने वाला है, अब हमारा क्या काम है, अब तो वो अपने आप अपना काम कर लेंगे। बोले, नहीं, तुमने जीवन में भोग लेना ही सीखा है, भोग देना नहीं सीखा, तुम जाओ सब अपने अवतार लो। तो देवता अपना अंश लेकर के, अधिकांश तो स्वर्ग में छोड़ के आए हैं और कुछ अंश लेकर के कोई गोकुल में, कोई मथुरा में, कोई वृंदावन में, कोई ब्रज में, कोई गाय बन के, कोई गोपी बन के, कोई ग्वाला बन के, कोई कुछ बन करके अवतरित हुए हैं। और सुखदेव जी महाराज अब हमें धरती का दर्शन कराते हैं। धरती में, इस धरती पर मथुरा जी का दर्शन कराते हैं। मथुरा, अच्छा आप लोगों में कोई मथुरा गया? कितने लोग मथुरा गए हैं, खड़े हाथ करो। बहुत बढ़िया। मथुरा का मतलब है कि जो मैं पहला शब्द है, मैं से मध,
मदन और मत्सर, इन तीनों को अपने स्वभाव से निकालना है। मद का मतलब है अभिमान, चांगदेव को अभिमान हो गया था, भागवत जी कथा है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कम उम्र के थे, 1400 वर्ष चांगदेव की उम्र थी, लेकिन मद के कारण उन्होंने अभिमान किया था और उन्होंने एक पत्र लिखना चाहा तो लिखने के लिए शब्द नहीं थे। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो बहन थी मुक्ताबाई, उन्होंने जवाब दिया था कि 1400 वर्ष जेल दे दिया रे, कागज कोरो ही भेज दियो, और जिसो कागज कोरो है ना या तारी बुद्धि भी कोरी है। लंबा प्रसंग है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी बांधगी बता रहा हूं। तो अभिमान नहीं होना। मत्सर कहे सूक्ष्म रूप से ईर्षा, और ईर्षा निंदा की माँ है। जो आदमी ईर्षा करे लो वो जरूर कोई की निंदा करे लो। तो इनसे बचना चाहिए। सूरसेन जी महाराज के यहां वसुदेव जी, सूरसेन जो हुए उनके पुत्र उग्रसेन, उनके छोटे भाई देव, और देवकी के एक लड़की है उसका नाम है देवकी। उग्रसेन के महाराज की लड़की नहीं थी, उनके तो एक बेटा था, उसका नाम था कंस। कंस के कोई बहन नहीं थी, लेकिन अपने छोटे भाई की लड़की देव की लड़की देवकी को भगवान की कृपा से उग्रसेन महाराज ने गोद में लिया और एक दिन ऐसा संकल्प किया कि मेरी बेटी नहीं है, मैं इसी को बेटी स्वीकार करता हूं। इसलिए वो देवकी कंस की बहन हो गई और उसकी शादी के लिए वसुदेव जी महाराज के साथ में तैयारी की। कंस बागडोर हाथ में ली, विदाई कर रहा था और दुनिया को यह बताने के लिए कि मैं कितना सरल हूं, कितना मैं सहज सरल हूं। और तभी आकाशवाणी हुई, ए दुष्ट, जिस बहनी को तू विदाई दे रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और कंस ने रथ से नीचे उतरा और बोले इस बहनी को ही मार दूंगा मैं। देवकी कुछ नहीं बोली, लेकिन वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी का जो भी पुत्र होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बोले नहीं 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 नहीं, बोले नहीं समर्पित कर दूंगा। तो उन्होंने कारागार में डाल दिया। कारागार का मतलब है कि यदि इस संसार में आदमी को साधना करनी है, कोई योग करना है, तपस्या करनी है, तो एकांत चाहिए। और जब भगवान का प्रकट्य होगा तो जेल में ही होगा, एकांत में ही होगा, क्योंकि संसार में तो तमाम प्रकार के भोग हैं, जेल में कौन से भोग हैं, कुदरती साधु है। और कर्म से अच्छा, देवकी का मतलब समझेंगे नहीं आप, देवकी कौन है? देवमय बुद्धि जो भगवान को भस्म करके अपने पेट से अपने गर्भ से जन्म करा दे।
और वसुदेव का मतलब शुद्ध हृदय। वसुदेव जी शुद्ध हृदय और देव की देवमय बुद्धि। और श्रीधर महाराज जी ने श्रीधरी में यह विस्तृत प्रसंग लिखा है। हम तो उसकी कॉपी की कॉपी की कॉपी की कॉपी 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 और कॉपी और कॉपियां। मूल तो उन्होंने लिखा यह अर्थ, हम तो उसको उसकी ट्रू कॉपियां हैं। और वो तो महापुरुष तो हमारे बीच से विदा हो गए, लेकिन ये सारी कथा श्रीधर जी महाराज ने लिखी है। और कंस का मतलब देह अभिमान, जिसको अपने देहाध्यास है, देह अभिमान है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो कंस है। और कहते हैं कि एक बालक, दो बालक, तीन बालक, चार बालक, पांच बालक, छह बालक, बच्चे क्रम से होते गए, दुष्ट कंस आता सबको मारता गया। सातवां जब आया तो भगवान ने सोचा कि यह दुष्ट उसको भी मार देगा, तो भगवान ने योग माया से कहा और शेष नाग से कहा, बोले सुनो, गया होता में आप अनुज थे, अब की बार आप अग्रज हो जाइए। अग्रज बड़ा भाई, पहला जन्म तो थे लक्ष्मण बनकर के, छोटा भाई बनकर के सेवा करी, अब कहते अग्रज हो जाओ, बड़े हो जाओ। तो अपनी योग माया से वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी ही रोहिणी, उसके गर्भ में माया ने संकर्षण करके और गर्भ स्थापित किया है और माया ने अपना सारा काम किया है। भाद्रपद एकादशी, ठीक भाद्रपद है, एकादशी है, ठीक एक साल पहले बलराम जी महाराज का प्रकट्य गोकुल में हुआ है। हम सब मिलकर के जय बोलेंगे, बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय हो। जब पापी कंस को ये पता लगा कि छह हो चुके हैं, सातवां तो उसके हाथ ही नहीं लगा, तब उसने समझ लिया कि ये देवकी का आठवां पुत्र काल, काल जिसे कहते हैं, मेरा आकाशवाणी जो हुई है वो काल मेरा यही है। तो उसने पहरेदार चौकने कर दिए, जेल की सुरक्षा बढ़ा दी, कारावास की सारी सीमाओं को तैनात और तैनात कर दिए गए और पल पल की खबर लेने लगा। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच महीना, छह महीना, सात महीना, आठ महीना होने को था और उसने सारी व्यवस्थाएं करी है। नौवां महीना होता है, रोहिणी नक्षत्र है, समय रात का 12 बजे है, भाद्रपद है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है और सब कुछ अनुकूल है। शास्त्रों में भागवत जी कहते हैं कि जो उस वक्त जो समय था, नक्षत्र, देश, काल, मौसम, परिस्थितियां सब कुछ अनुकूल है। भादो मास, पक्ष अंधियारा, नक्षत्र नक्षत्र रोहिणी, दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी, रेनी तिथि अष्टमी, रेन अंधियारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, और भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है श्यामल कृष्ण।
कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। चतुर्भुज शंख पद्म चक्र वृत्त कुंडल लेकर के दिव्य प्रकाश दिव्य ज्योति कारावास में होती है और वसुदेव देवकी जी स्तुति करते हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, हे जगतपति, हे जगदीश्वर। माँ कहती है, प्रभु आपका जो ये तेज चक्र है इसके सामने हमसे देखा भी नहीं जाता, और आप तो पिता बन के आए हो, यदि आप मेरे यहां आए हो तो पुत्र बनिए। मेरे छह छह बालकों को पापी कंस ने मार दिया है, अभी मेरी गोद खाली है, मैं गोद में अभी बालक को नहीं खिला पाई हूं। हे प्रभु, आप यदि पुत्र रूप में आए हो तो आप बालक हो जाइए। और भगवान की लीला अपार है। सत्यनारायण भगवान को उस वक्त सात बार सत्य कहा है, हे प्रभु तेरी लीला सत्य है, तेरा स्वरूप सत्य है, तेरी भक्ति सत्य है, तेरा प्रेम सत्य है, और हे प्रभु तू सत्यनारायण है, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण है। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। और भक्त की पुकार सुन के, भक्त की अनुरोध कर सुन करके भगवान कहते हैं, मैं भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करता, मैं भक्तों के लिए सब कुछ कर देता हूँ। और भगवान चतुर्भुज रूप को समेट के बालक शिशु के रूप में जन्म लिए हो गए हैं, टोकरी में वसुदेव जी महाराज ने रखा है, और भगवान ने अपने आत्मकथा सुनाई है कि तुमको यदि भय है तो मुझे गोकुल में छोड़ आओ। और वसुदेव जी टोकरे में धरी है, भगवान को टोकरे में रखा है, टोकरे को सिर पर रखा, सिर पर रखते ही बंधन छूट गए हैं। आप विचार करना मेरी बात, बंधन छूट गए हैं, क्यों? क्योंकि जब बुद्धि में ब्रह्म आता है तो सारे संसार के बंधन छूट जाते हैं। परमात्मा जब सिर पर टोकरे पर आते हैं तो वसुदेव जी के सारे हथकड़ियां टूट जाती है, ताले टूट जाते हैं, सबको नींद आ जाती है। जब बाहर प्रवेश करते हैं, गमन करते हैं, तो रिम झिम वर्षा हो रही है, शेष नाग जी छतरी करते हैं, छाता बनाते हैं, और जब जमुना जी पास में आती है तो जमुना जी रास्ता नहीं देती है। वसुदेव जी घबरा रहे हैं कि हे मैया रास्ता दे दो, लेकिन वो जमुना जी कह रही है, आज मेरा स्वामी सूक्ष्म रूप लेकर के बालक रूप लेके आए हैं, मैं जब तक इनके चरण स्पर्श नहीं कर लूं तब तक मैं मार्ग कैसे दे दूं। तो कहते हैं कि भगवान बाल गोपाल बाल कृष्ण ने अपना पैर नीचे लटकाया है, चरण लटकाया है, और यमुना जी ने स्पर्श किया है, मार्ग दे दिया है, और गोकुल में नंदालय में जहां वहां एक बच्ची का जन्म हुआ था, वहां बच्ची को ले लिया है, माया को ले लिया है, और भगवान कृष्ण को आज नंद जी को सौंप दिया है, और वापिस टोकरी लेकर के जब आए हैं तो कहते हैं कि यमुना जी ने भी रास्ता नहीं दिया है, और अंदर आते ही रास्ता जो है, अंदर आते ही पीछे से फिर ताले लग गए हैं, हथकड़ियां जड़ गई है, और तभी माया ने सोचा कि मैं लोगों इनको जगा दूं पहरेदारों को, तो माया रोना शुरू करी है, और जब माया रोने लगी है तो पहरेदार जग गए हैं और दौड़ो दौड़ो भागो भागो, आठवां लाल जन्म ले लिया है। और मेरे भाई बहनों की दौड़ते दौड़ते कंस पापी को खबर होती है कि आठवां बालक जन्म ले लिया है। पापी कंस हाथ में तलवार लिए, ध्यान से तलवार खींच के और दौड़ता हुआ आता है, और उस कन्या को हाथ में लेकर के जब उसको मारता है तो वह हाथ से छूट करके चतुर्भुज रूप में, देवी के रूप में, मां भवानी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलो जगदम्बा भवानी की जय हो, भवानी की जय हो। और कंस देखता ही रह जाता है, आकाशवाणी होती है, हटेशु सत्यसु बालेशु, ए पापी तू क्या मेरे को मारेगा,
तेरे को मारने वाला तो कब का ही यहां से निकल चुका है। और कंस थर 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 कांपता है कि दुश्मन हाथ से निकल गया, दुश्मन हाथ से निकल गया। और उधर नंदालय में, गोकुल में, उधर नंद जी के यहां यशोदा जी सो रहे थे। सुनंदा बहन भाभी को सम्मान में गई है तो पता लगा कि यशोदा की बगल में एक बहुत ही सुंदर दिव्य प्रकाश नजर आया है और वो जोर से आवाज करती है, ओ भाभी, अरे भाभी जाग, तेरे लालो भयो है, लालो भयो है। दौड़ती दौड़ती नंद बाबा के यहाँ, नंद जी के यहाँ ढूंढती ढूंढती जाती है, नंद जी मिलते नहीं है कि बड़े भैया को खबर दे देती हूँ, लेकिन गौशाला में गए हुए थे, वो गौशाला में ही जाती है और गौशाला में जाकर के और भैया को बधाई देती है, भैया आपने लालो भयो, मोतियों की हार, मोतियों की माला जो है नंद जी ने सुनंदा को दी है, अपनी बहन को दी है। और तभी सब जगह डिम डिम डिंडोरा पिटाया है, अरे गोकुलवासी जागो जागो, बाबा नंद के द्वारे लालो आए हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। गोपियां दौड़ती दौड़ती आई है, बधाई हो बधाई हो। चारण भाट कवि बिरदावली पढ़ रहे हैं, पूरे नंद पूरे नंदालय में उत्सव, खुशियां आनंद छाया हुआ है। साधु ब्राह्मण अपना स्वास्तिक वाचन कर रहे हैं। कोई हाथ में कपड़े लेके आइए, कोई खिलौने लेके आइए, कोई प्रसाद लेके आइए, कोई माखन लेके आइए, जो कुछ हाथ में था सब अपने हाथ में कुछ न कुछ लेके आइए। और कोई गोपी के पास जो कुछ नहीं था वो यमुना जी का जल भर के लाइए, खाली हाथ नहीं आइए। क्योंकि किसी के घर बधाई देने जाए, किसी मंदिर में जाए, तीर्थ धाम में जाए, गुरु और बहन बेटी के जाए, संतों के पास जाए, किसी राजा महाराजा बादशाह के पास जाए, किसी डॉक्टर वैद्य के पास जाए, तो नीति ग्रंथों में ये लिखा है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हाथ में कुछ लेके जाना चाहिए। तो सारी गोपियां बधाई दे रही है और
नंद उत्सव मनाया गया है। दसवां स्कंद में पूर्वाद में 5 से लेकर के 5वें जो अध्याय है, 5वां जो अध्याय है उसमें 18 श्लोक, 5वें अध्याय के 18 श्लोक नंदो उत्सव के हैं। और कहते हैं कि इनको रोज पाठ करने से पूरा भागवत का जो फल मिलता है उसको प्राप्त होता है। 18 श्लोकों को रोज पढ़ने से पूरी भागवत पढ़ने का फल मिलता है। अच्छा, ये नंद जी कौन थे ये जरा चिंतन करो। ये नंद बाबा कौन थे, कहां भगवान ने जन्म लिया और कहां आकर के प्रकट हो गए, और ये यशोदा कौन थी, और इनके घर ही क्यों आए भगवान? गोकुल में तो और लोग थे बहुत। अच्छा, गोकुल का क्या मतलब है जी? गो का मतलब है इंद्रियां और कुल का मतलब परिवार समूह है। मालिक है अर्थात जो गोकुल है, जिसने ऐसे समझ लिया है कि इंद्रियां अलग है आत्मा अलग है, ऐसे पवित्र स्थल में जो निवास करते हैं वहां भगवान, उस गोकुल में भगवान, उस हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, ये नंद जी कौन है? भागवत जी में दो संतों के दो मत है, दो विद्वानों के मत है। एक नंबर तो है कि इन वसुओं में सबसे श्रेष्ठ वसु था, उसका नाम था द्रोण, और ये भगवान का बहुत ही प्रिय था। तो भगवान ने, परमात्मा ने इनसे कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और गायों की सेवा करो। तो द्रोण ने कहा, वसु ने कहा, बोले मैं सेवा तो करूंगा लेकिन प्रभु आपकी मुझे अनन्य भक्ति मिले, आपका मुझे प्यार मिले, आपके ध्यान में मेरा मन लगा रहे। तो भगवान ने ततास्तु कहा था, बोले सुनो, मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आऊंगा और तुम हमें खूब खेला लेना। तो कहते हैं कि वो वसु नाम का, द्रोण नाम का वसु नंद बाबा बना है और उसकी धर्म पत्नी यशोदा हुई है। एक भागवत में तो ये लिखा है। दूसरी जो भागवत है, महात्माओं के विभिन्न इसमें विचार हैं। एक संत ने ऐसे लिखा है कि द्रोण नाम का एक ब्राह्मण है और धरा नाम की उसकी धर्म पत्नी है, और बड़े ही पवित्र पुनित गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं, भगवान की परम भक्ति करते हैं और शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान शिवजी बूढ़े आदमी का रूप बना करके आए हैं और भगवान विष्णु बालक का रूप बना के आए हैं, और उनके घर में आकर के उन्होंने भोजन मांगा है। तो ब्राह्मण के घर में व्यवस्था कम थी, गरीबी थी। तो बोले बाबा, बालक को लेकर के आप बैठो बाबा, मैं अभी कोई व्यवस्था कराती हूं। तो वो द्रोण नाम का ब्राह्मण किसी बणिए के यहां जाता है। रास्ते में उसके कोई काम हो जाता है, दुकान तक नहीं पहुंच पाया। तभी उनकी धर्म पत्नी धरा वो पति को विलंब होता देख करके, कोई पड़ोस में दुकान थी, उस दुकानदार के पास गई है और आवश्यक भोजन की सामग्री ली है। दुकानदार ने कहा पैसे दो, उसने कहा मेरे पास पैसा आज नहीं है, मेरे घर में अतिथि मेहमान है।
तो उस बनिया ने कहा, बोले या तो आज आज तो पैसा दो, और यदि पैसा नहीं दो देती है तो तेरा अस्तन दे दे, तेरे अस्तनों को काट के मेरे को दे दे। तो उस देवी ने आरी से अस्तन काट के बनिया को चुकाया है और आकर के भोजन बनाया है, और दोनों देवों ने भोजन लिया है तो खून ज्यादा निकलने से वो बेहोश हो गई है, मूर्छित हो गई है, और दोनों देव प्रकट हुए हैं और उन्हें पुनः शक्ति देकर के शरीर को स्वस्थ किया है और आशीर्वाद दिया है। दोनों ने मिलके कहा, बोले मांगो तुम कोई इच्छा हो जो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा, बोले प्रभु हमको मांगना नहीं आता, हमारे कोई लायक चीज हो, काबिल चीज हो, हमें दे दे। भगवान ने कहा है, हे धरा, हे ब्राह्मणी, हे ब्राह्मण पुत्री, तूने मेरी सेवा के लिए दोनों हस्त दिए, अस्तन दिए हैं, मैं बालक रूप में तेरे अस्तनों को चूखने के लिए आऊंगा, मैं बाल कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और जन्म कहीं और लूंगा, लेकिन तेरे अस्तनों का मां दूध पीने जरूर आऊंगा। आप विचार करना, जो भगवान के लिए समर्पित कर देता है, जो भगवान को अपनी तन मन धन सब समर्पण कर देता है, उसके लिए भगवान भी कसर नहीं छोड़ते हैं, जन्म कारावास में लेते हैं, लेकिन दूध पीने के लिए नंदालय में आते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोपियां आती हैं दौड़ती हुई, कोई गोपी बधाई बधाई कहती है, कोई गोपी गीत गाती है, और कोई गोपी घमड़की लगाती है, नाचती है, कोई ताली बजाती है, कोई सुंदर साज बजाते हैं, कहीं वाद्य वादन हो रहा है, कहीं पर भजन हो रहे हैं, चारों तरफ हर्ष उल्लास का नंदो उत्सव मन रहा है, मनाया जा रहा है। तभी एक माई आई और उसने कहा, यशोदा से, ऐ तेरे लालो नहीं होने, 12 वर्ष तक एकादशी को व्रत करे हूं, जे थारे बुढ़ापा में तो सुंदर लालो आयो है, थारे लालो कटो हो, मारा 12 वर्ष व्रत करे जी को पुण्य मिले वो थारा लाला के लिए कर रही ही। कोई काई नाम दे रहे है, कोई काई नाम दे रहे है, और एक गुजरी आई, अरविंद अच्छी तरह देखी भगवान बाल कृष्ण ने, और बोली, यशोदा एक काई काई बोल रही जी की, एक काई काई नाम लिया जी का तो तू जाने ए जाने, पर मारा हिसाब से इको नाम है चोर। यशोदा बोली, चोर किया? वो काई चोरी कर ली थारी? कह वो चित चोर है, वो मन चोर है, मारा मन ने खींच लियो। ये आज तो भगवान को एक नाम चोर भी है। बोला, मारा मन ने खींच लियो, इन्हें देखे देखे जाऊं मैं, या छूटे को न मारो मन, इसने मेरे चित्त को चुरा लिया है, मेरे मन को चुरा लिया है, मैं सब कुछ लुटा रही हूं इसके ऊपर। एक गुजरी आई और बोली, ए सोदा, इता 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 लोग देखा है, इक नजर लागी, इकी नजर उतार ले, नजर लागी के। बोले, नजर में काई करूं? का आरती उतार ले, आरती कुंज बिहारी। अरे इन किनेर ही निजीरिया लागी
आज मारे कानोड़ा रे काई हो यो इने किनरी नजरिया गेला गिरा
दादा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। आरती का मतलब है, धर्म सिंधु ग्रंथ में आरती को तरीको बताया है, ध्यान से सुनियो। आरती उतारा ना, आरती आरती क्यों उतारी जावे और भी थाली ने किया घुमाई जावे और कितना बार घुमाई जावे। थे मैं देखूं आरती लेवन आरती करे ना लोग, जना एक बार यू कर श्रद्धा का मैं हाथ तपा जा तपार पे गया या नहीं। आरती को मतलब समझो, आर्त नाम दुख को है और भगवान की आरती आपा काय उतार सका, जब आपनो काम बह कर सके तो बह खुद को काम कुन करने लगी। लेकिन भगवान के प्रति भगत की भावना है कि हे भगवान, कोई कहे ने के मारा भी फला आदमी के हे भगवान बाली बाको में तू जो यान आपनो भक्त को भाव है कि हे भगवान, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करवा को सामर्थ्य थाकन है, आप बहुत बड़ी शक्ति हो, इस दास को भी ध्यान रखिए। अच्छा आरती कितनी बार घुमानी चाहिए थाली ने? 7 बार, धर्म सिंधु ग्रंथ में ये लिखा है, 7 बार घुमानी चाहिए आरती को। 1 बार सर्वांग, जो इष्ट की मूर्ति है तस्वीर है एडी से चोटी तक ध्यान करें, 1 बार। 2 नंबर मुखारविंद, मुंह पे उतारे, मुंह पर मुखारविंद पर घुमाए। 3 नंबर वक्षस्थल पर ध्यान करे आरती उतारे। 4 नंबर कटी भाग पर। 5 नंबर घुटने पर और 6 नंबर चरणों में पादार बिंदे और 7वीं फिर एक बार सर्वांग। अयान 7 बार आरती ने एक आदमी ने घुमानी चाहिए और दंपति साथ वे पति पत्नी तो दोनों मिलकर भगवान की आरती उतारनी चाहिए, दोनों साथ विशेष ज्यादा पुण्य है। और ऊपर हाथ करे ना, हाथ वो हाथ कर वो तो धीरे धीरे यहां बन गयो आरती घुमाई, खाली हाथ कौन जावे ना कुछ भी का माइंड डालता वाला ना वो यू हाथ कर वो भी है। पर एक बार ही कौन घुमाई रही हाथन तपावन सी कमाए नजिया तपार बगिया। वास्ते आरती उतारती टाइम है पति पत्नी दोनों साथ रहे तो बहुत ही ज्यादा उत्तम पुण्य है। ये अध्यात्म जगत में अध्यात्म को मतलब समझो नहीं कहीं में, अध्यात्म को मतलब है अंतर की यात्रा, अंदर की यात्रा। एक तो बाहर की यात्रा करा आपस में लोग, एक अंतर की यात्रा। ईश्वर चिंतन,
तो भगवान की आरती हुई है और राम जन्म आए थे तो अब क्यों नहीं आएंगे? लंबी लंबी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी है, मुंडमाल गले में सर्पों का हार, गले में अब बड़ा त्रिशूल लिए भोले बाबा भगवान के यहां बाल कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे हैं। बोलो विश्वनाथ महादेव की जय हो। शंकर भगवान सूरदास जी महाराज तो कहा है, ए मैया ये यशोदा तेरे द्वारे एक बाला योगी आयो, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, अग्निभूति गले रुंडी माला, अग्निभूति गले रुंडी माला, शेषे नाग लिपटायो, शेषे नाग लिपटायो, बापो तिलक बाल चंद्रिमा कर कर अलख जगायो, बापो तिलक बाल चंद्रिमा कर कर अलख जगायो, तेरे द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 थाल बरायो, देवी की जान कली नंदरानी कंचन थाल बरायो, लोभी की शाह जोगी जाओ आसन पर, लोभी की शाह जोगी जाओ आसन पर, मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जो
अविनाशी ओंकार नाथ नीलकंठ जटा जोट त्रिपुरारी त्रिशूल हाथ डमरू बजावे नाचे गावे भूत प्रेत साथ योगिनी विशाल मेरु गिरिजा महारानी संग सेल के शिखर पर राजे गले में सजे भुजंग रुंड मुंड धारी तेरी जटा में तरंग गंगे सरंगी बरंगी भील भद्र नंदी सुरगने शेष कैलाश में वास करे योगी का बना के अंग में विभूति मिले गोरी का पति महेश बागंबर का आसन राके सर्पों का श्रृंगार हार आकरा धतुरा विष बीजियों का करे हार शिव हितकारी भोला देने में पूरा दातार भागीरथ को गंगा दिनी किनी दृष्टि मेहर की रावण को सोने की लंका पदवी कुबेर की भस्मासुर को भस्मी कड़ा देते नहीं देर की बाणासुर को ससर बुझा देता न लगाई बार कपटी पर नाराज नाई जालंधर को दिया त्यार सुन में अनंत संत ग्रंथ नहीं पायो पार ग्रंथ 18 सारा गावे गुण दिन रेन योग की समाधि साधे भक्ति में खुले है नैन ऋषि मुनि हारे सारे शारदा हुई बेचैन ऋषि मुनि हारे सारे शारदा हुई बेचैन शंकर को मनावे कोई छोड़ के कपट द्वंद भाग जा बिगन सब छूटे यमराज फंद चेला घन श्याम गुरु ब्रह्मचारी सुखी नंद गोरी शरीर में गोरी विराजत मोर जिटा जट मोर जटा सिर सोवत जाके नागन को उपवीतल से कहे अयोध्या के सचिवाल में वाके दान करे पल में पल चारी तारत अंक लिखे विदना के शंकर नाम निशंक सदा जो भरोसे रहे निशिवा सरता के ओम गोरीश्वराय भवन त्रिकारणाय खड़ियात कर लो सब ओम गोरीश्वराय भवन त्रिकारणाय भक्ति प्रियाय बहुविधि भेदे भवाय सर्वाय दुख समनाय वृषभाय काल धैनाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो विश्वनाथ महादेव की जय हो। सदा शिव कल्याण स्वरूप वो जगत तत्व परमात्म तत्व आज साधु का वेश बना करके नारायण के ठाकुर जी के बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं और कहते हैं तेरे लला का दर्शन करा दे मैं दर्शन करने आयो तेरे लला का दर्शन करा दे
अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो। यशोदा तेरे द्वारे एक बाला योगी कथा में आता है कि भगवान शिव जी को रूप देख करके यशोदा मना कर दियो मारो टाबर तो डर जाए बाबा जी थारो रूप ही बेरूप है। जद बोलिया वो डरपड़ो गोनो तीन लोक को मालिक है वो तो ब्रह्मांड नायक है वो विश्वपति है विशंबर है पूर्ण है चराचर है। ई का नाम से तो डर भागे इन डर को लगे लेकिन मां तो यशोदा को मतलब समझा नहीं यशोदा को मतलब भोली दूसरा ने यश दे और दूसरा को दुख आप ले बिन यशोदा के। श्रीधर महाराज ये लिखे है कि जो यश बाटे भी वो नाम है यशोदा दूसरा ने धन्यवाद करे दूसरा ने वाह वाह काम तो वो कोई पतो नहीं क्यों हो गयो क्या बैठ गयो पर क्या नहीं था की कृपा से हो गया वो था की कृपा से हो गया वो ऐसी साहब था कि आशीर्वाद से हो गया। कदे कदे माया बाया में भी हो जावे बड़ी बड़ी है ना बड़ी बड़ी जकी कह छोटकी ने सब्जी काट बीस छोटकी ने कह तो तबलो तबेलो साफ कर लिया बर्तन साफ कर लिया तीसरी ने कहे तू मसालो लिया सारो तैयारी कर ले पास सब्जी छुकन लगाओ छुकन बस बड़ी बड़ी लगा दे पास पापा भोजन कर पा बैठे ने क्या तो सब्जी बहुत टेस्ट बनी भाई कौन बनाई जरा बखे काई कौन करियो बड़ी बड़ी जगह मैं बनाई सारो यस आप ले यानी वो जीव है ना आ सारी लीला परमात्मा की है। सूरज चांद तारे सागर पहाड़ भारे राजा वजीर रानी पंडित सुबीर ज्ञानी ये तो सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है लेकिन आदमी गलती से कह रहे सब मारा है ये सब मारा है ये सब मेरा है ये सब मेरा है। तो ये वास्ते यशोदा जी बारे लाया कोनी तो मैं किया एक बार तो लिया तो सही लेकिन भगवान नारायण बाल रूप के अंदर सोचा कि आप मां समझे गोन बोलिए तो मां ने रोबो शुरू कर दिया और मैं रुकिया ही कोने सब था क्या सुनंदा भी था कि यशोदा भी था कि नंद बाबा भी था क्यों जित पस नंद बाबा माने समझाया कि एक बाबूजी आयोडा है बारे ते भी कन झाड़ू दरवा लियो और शिवजी भी साहब बड़ा अकड़बम चिमटो रो पर बैठगा त्रिशूल रो पर बैठगा कि जब तक दर्शन नहीं करूं तेरे लल्ला का तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं तो ढूंढूंगा लूंगा। और फिर बालक को लाते हैं ये प्रसंग आप सब जानते हैं शिवजी और भगवान ठाकुर जी की जब नजर से नजर मिलती है एक दूसरे को नमन करते हैं और कथा तो ये कहती है आप कभी भागवत जी का अध्ययन करोगे ना कभी भागवत जी की पढ़ाई करोगा तो थे एक चीज जरूर धन पाओगा एक चीज मिलेगी कहीं कि नंद बाबा जब भी गोकुल छोड़ के गए तब से पीछे कुछ न कुछ अनहोनी हुई गो नाम इंद्रियों का यानी इंद्रियों को नंद बाबा जब भी गोकुल छोड़ के गए तो अब सुकून हो गए काई न काई समस्या आई गो नाम ग्वाला को भी है और अच्छा गोपी नाम कौन को है गोपी जो गुप्त रूप से भगवान को भजन करे उनको नाम है गोपी गुपत करे
पर लोगन दिखावे नहीं, गुप्त रूप से साधना करें, उनको नाम है गोपी। अच्छा जी, आ इंद्रिया ने नंद नाम आत्मा सुमड़ा करके जब जावे तो काइन काई आफती आवे। ई वास्ते इंद्री मतलब इंद्री को मतलब गोप्या, गोप्या ने देख करके आत्मा जावे, वृत्या ने देवे आत्मा तो आपत्ति आवे। ई वास्ते आत्मा अनुभूति करवा के लिए आत्मा को श्री कृष्ण को ग्वालों के भरोसे कभी मत छोड़ के जाओ, इंद्रियों के भरोसे कभी भी मत, यानी इंद्रियों पर आप विश्वास कभी भी मत करो। आंख देखबा से गोंदा फैली, जीभ चखबा से गोंदा फैली, कान सुनबा से गोंदा फगो, नाक सूंघबा से गोंदा फगो।